विधान परिषद की दो सीटों पर उपचुनाव का मामला है। भाजपा ने दो उम्मीदवार घोषित किए हैं, पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह को यहां पर उम्मीदवार घोषित किया गया है। 18 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। 29 मई को चुनाव के दो एमएलसी सीटों के लिए वोटिंग होनी है। आपको बता दें वर्तमान में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह है, पद्मसेन चौधरी, और ऐसे में 29 मई को दो एमएलसी सीटों के लिए वोटिंग होने वाली है। 18 मई नामांकन की आखिरी तारीख है और उसी के लिए दो नामों की घोषणा की गई है। विधान परिषद की दो सीटों पर यह उपचुनाव होना है, जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भाजपा ने दो एमएलसी उम्मीदवार यहां पर घोषित किए हैं, पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया। तो आपको बता दें कि 18 मई नामांकन की आखिरी तारीख है, 29 मई को एमएलसी सीटों के लिए वोटिंग होने वाली है। दो एमएलसी सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने वाले, और इस खबर पर अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्योंकि दो सीटों के पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, नामों का ऐलान भी हो चुका है, क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से रणनीति बनाई गई और विपक्षी पार्टियों की तरफ से क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, दो विधान परिषद की ये सीटें हैं जहाँ उपचुनाव होना है। एक सीट पर चूंकि जो सदस्य थे उनका निधन हो गया और दूसरी सीट पर जो सदस्य थे वो सिक्किम के राज्यपाल बन गए, तो ऐसे में दोनों ही सीटों पर बाई इलेक्शन होना, 29 मई को वोट डाले जाने हैं और नामांकन की आखिरी तारीख 18 यानी कल है, 18 मई है, और उससे पहले बीजेपी ने अपने दो उम्मीदवार, उनके कौन होंगे उनके नाम घोषित कर दिए हैं। एक है पद्मसेन चौधरी और दूसरे हैं मानवेंद्र सिंह। दोनों इस वक्त जो प्रदेश संगठन है उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। पद्मसेन चौधरी की बात करें तो वो सांसद भी रह चुके हैं, 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, और अब पार्टी ने तय किया है कि उन्हें जो है एमएलसी बनाया जाए, इसीलिए उम्मीदवार बनाया है। मानवेंद्र सिंह इससे पहले अभी कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, फिर वहां से उन्हें अब प्रदेश टीम मिलाया गया, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, तो उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और माना जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नहीं घोषित करेगी तो फिर हो सकता है कि चुनाव की नौबत भी ना आए और ये दोनों जो सदस्य उम्मीदवार बने हैं ये निर्विरोध निर्वाचित हो जाएं। तो बीजेपी ने इनके नाम की घोषणा कर दी है और माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल जो आखिरी दिन है नामांकन का, उस दिन ये दोनों जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।